तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो बच्चे इस बार बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी ने देख लिया थंबनेल में कि बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिनका लो परसेंटाइल है जेईई मेंस में, क्या उनको कॉलेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उनके मन में हमेशा रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है थंबनेल में आपने देखा कि बहुत बड़ी खुशखबरी है यूजीएससी की तरफ से कि क्या आपको कॉलेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, लो परसेंटाइल है आपके, आपको मन में बहुत सारा टेंशन है कि आपको कॉलेजेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं आप सभी के सामने। जैसा कि आप सभी को पता है, जेईई मेंस में यूजीएससी ने इस बार सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है, जिसमें लगभग 14,000 सीट है। कितने हैं? 14,000 सीट है। तो आप सभी को इस बार इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा अगर आपके कम परसेंटाइल है तब भी। ठीक है, कम परसेंटाइल कहने का मतलब कि लगभग कितने परसेंटाइल तक आपको मिल सकता है मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम हम लोग बात करें तो 2% तक आपको, 1% तक बिहार इंजीनियरिंग में इजिली एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग सही तरीके से करते हो तब, अगर चॉइस फिलिंग में आप कोई भी गलती करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। ठीक है, खास करके गर्ल्स की हम बात कर ले तो गर्ल्स को कम परसेंटाइल पे भी बिहार इंजीनियरिंग में अच्छे ब्रांचेस मिल सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस और सिविल। क्योंकि अभी बिहार की अगर हम बात कर ले तो बिहार इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा दो ही ब्रांच का डिमांड है, एक सिविल इंजीनियरिंग और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हर बच्चा चाहता है कि मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन हो जाए, मेरा सिविल इंजीनियरिंग में ब्रांच में एडमिशन हो जाए। लेकिन नहीं हो पाता है किसी कारण से बॉयज़ का। लेकिन गर्ल्स का बहुत ही ज़्यादा रिजर्वेशन है, 33% रिजर्वेशन है, जिनके कारण उनको कम परसेंटाइल पे भी अच्छे ब्रांच मिल जाते हैं। लेकिन इस बार बॉयज को भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तब। देखो, बिहार में है 38 कॉलेजेस और 14,000 लगभग सीट है। ठीक है, और 14,000 सीट होने के कारण कोई कोई कॉलेजेस में 120 सीट है कंप्यूटर साइंस के, उसमें IoT भी आते हैं, AI भी आते हैं, मशीन लर्निंग भी आते हैं, तो मतलब बहुत सारा स्पेसिफिक भी आता है, कोर भी आता है, जिसके कारण बहुत सारे सीट हैं। और उसमें आप देखोगे तो हर एक कॉलेज में 120 सीट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको 100% के वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का मन में होगा कि भैया आखिर कितने परसेंटाइल तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। देखो, मैं बताता हूँ, अगर आपका 30% से ऊपर है या 25% से ऊपर है तो आप ट्राई कर सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूँ, पिछले साल ही एक मेरा स्टूडेंट था जिसका 22% पे CSE मिला था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला था, लेकिन सेकंड राउंड तक मिला था। तो आपको हड़बड़ाना नहीं, आप चॉइस फिलिंग किस तरीके से करते हो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा के बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, लेकिन वो गलतियां आपको नहीं करना, आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना है ताकि आपको अच्छे से कॉलेजेस मिल जाए। जैसे कि आप अगर चाहते हो कि सिर्फ मुझे CSE चाहिए तो आप सारे कॉलेजेस में CS सेलेक्ट करो। अगर आपके 30% से ज़्यादा है या 30% से कम है, ठीक है, मतलब 31% से 50% के बीच में है, तो आप सारे न्यू कॉलेजेस सेलेक्ट करो। न्यू कॉलेजेस में कौन कौन सा होगा आपको मन में क्वेश्चन होगा, तो बांका इंजीनियरिंग कॉलेज ट्राई कर सकते हो, लखीसराय ट्राई कर सकते हो, जमुई ट्राई कर सकते हो, मुंगेर ट्राई कर सकते हो, औरंगाबाद ट्राई कर सकते हो, जहानाबाद ट्राई कर सकते हो, अरवल ट्राई कर सकते हो, बक्सर ट्राई कर सकते हो, भोजपुर ट्राई कर सकते हो, लखीसराय ट्राई कर सकते हो। ये सब सारे कॉलेजेस में अगर आप कंप्यूटर साइंस फील करते हो, चूज करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड तक अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चूज करोगे तो आपको अलॉट नहीं होगा, आपको सिर्फ आप नए कॉलेज सिर्फ चूज करके छोड़ दोगे तो आपको कोई भी ब्रांच मिलना पॉसिबल नहीं है। और एक और बात मैं बता देता हूँ, अभी जो सबसे बड़ी खुशखबरी थी आप सभी के लिए, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है तो आप सभी को, लो परसेंटाइल वालों को भी कोई ना कोई ब्रांच बिहार इंजीनियरिंग में मिल जाएगा अगर आप चॉइस फिलिंग सही तरीके से करते हो। तो ये तीन ब्रांच फिक्स है कि आपको अगर 2% 1% तब भी आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल, ECE और मैकेनिकल कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का 30% से कम है वो न्यू कॉलेज में सारे ब्रांच चूज करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही चूज करके छोड़ देना कि एक साल बर्बाद हो जाए, वैसा गलती नहीं करना है आप सभी को। ठीक है, आपको सारा ब्रांच सारे कॉलेज में चूज करना है, कोई ना कोई ब्रांच आपको अलॉट जरूर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल पर आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।